आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिले में डैम के पानी में LIC कर्मचारी के बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है, जहां यह घटना नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम घुलघुली से सटे धनवाही डैम में हुई है एवं 3 दिनों से लापता विजय बर्मन नामक युवा का शव मिला है, जिसकी जानकारी नौरोजाबाद पुलिस को दी गई। मृतक के पिता संतराम बर्मन उमरिया LIC विभाग में कार्यरत हैं एवं उनका पुत्र विजय बर्मन ग्राम घुलघुली में अपने फूफा का लड़का मुकेश बर्मन के साथ चौराहे स्थित होटल में काम करता था और मंगलवार की सुबह घर पर बिना बताए लापता हो गया, जिसके बाद से ही मृत युवक की तलाश में ग्रामीण जन और सगे संबंधियों सहित उनके परिजन लोगों से पूछताछ करते हुए विजय की तलाश करते रहे एवं शव को देखने से यह पता चल रहा था कि शव 3 दिन पुराना है। वहीं पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में PM कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नौरोजाबाद पुलिस टीम द्वारा जांच कार्यवाही जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। शाम को बढ़िया खाना पीना खाया, परिवार के साथ बैठा था और फिर अपने मौसी का लड़का भी रहता उसके साथ सोने चला गया छत पे। उसके बाद फिर जब सुबह पता चला 5:30 बजे जो सोता है, जब मतलब 8 बज गए तो हम लोग देखे तो नहीं था घर में, तो उससे पूछे कि आज 5 में सो रहा था कितनी टाइम उठा, तब वो बताया कि 5:30 बजे जब मैं उठा तो देखा बिस्तर पे वो नहीं था, ये बिस्तर है। तो हम लोग फिर ध्यान मतलब पूछे तो बोले बिस्तर में नहीं है, तो हम बोले अब ढूंढा जाए कहाँ 7 बजे वो, तो फिर पूरी तरह से ढूंढना डेली वो 6:30 बजे के बाद सो उठता था, कभी भी उसके पहले नहीं उठा था। हम सोचे 7 बज गया होगा, 8 बज गया आराम से आएगा, तो मम्मी हमारी बोली कि देख थोड़ी पता करा दे, इतना 8 बज गया अभी तक नहीं आया। जाके घर में चेक किए तो घर में कहीं नहीं था, फिर जो साथ में साथ उससे पूछे तो वो बताया कि 5:30 बजे मेरे बिस्तर में सोता है, देखा तो नहीं था, तो फिर मैं सो गया। वो ड्यूटी जाता है 8 बजे, फिर वो तो वो अपने टाइम में 7 बजे के हिसाब से उठा, और जब 7 बजे सो को उठा जब पूरी घटना क्लियर हो गई कि 8 बज गया अब नहीं है, सब लोग पूरे भाई पापा सब लोग अपने हिसाब से ढूंढने लगे, दोस्त मित्र कहीं कुछ पता नहीं चला, ढूंढ रहे हैं कोई कहीं बताता है कोई कहीं बताता है, उस हिसाब से 2-3 दिन से लगातार ढूंढे हमको कहीं नहीं मिला। फिर आज सुबह हमको फिर एक व्यक्ति बताया गांव का कि आज एक छोटी शर्ट पहनने वाली नदी में लाश उतरा है, तो हम लोग को जिसको जानकारी मिली तो नदी गए, तो नदी गए तो मृतक विजय कुमार बर्मन पिता संतराम बर्मन उम्र 23 वर्ष को पानी में डूबने के पश्चात मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया लाया गया, जहाँ शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। वो बुआ कहाँ रहता रहा, कभी मेरे यहाँ भी आ जाता रहा, अब बुआ के यहाँ होटल में इसे पड़ा काम करता रहा, खत्म हुआ उसके उसकी जांच की जाए। ये हमारे LIC कर्मचारी सिसंतराम है, इनका बल्ला के घुलघुली गांव के नज़दीक एक ढाबे में रह के कार्य करता था और सुबह अचानक परसों से वो लापता था, उसकी FIR भी थाने में हुई थी, आज उसका शव बांध में तैरते हुए मिला है। ये शव बांध में तैरते हुए मिला है ये परिवार के साथ बहुत ही दुखद घटना है और हम पूरी हमारी LIC परिवार के साथ है और श्रद्धांजलि देती है, और ये घटना कैसे घटित हुई इसकी एक उच्च